अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये फ्लैश की लाइट जो है वो इस पैलेट के ऊपर आ रही है थोड़ी सी, तो मुझे ज़रा इसकी प्लेसमेंट ज़रा देखनी पड़ेगी जी। आज मैं नाहिद सुपरमार्केट गई और मैंने इस ग्लैमरस फेस जो है इस ब्रांड के बारे में काफ़ी सुना था और इसके इस पैलेट के बारे में मैंने काफ़ी बातें सुनी हुई थी। मैं एक्चुअली मतलब डिफरेंट मैंने लोकल ब्रांड के आई शेडोज़ बहुत कम इस्तेमाल किए, मतलब इतने ज़्यादा नहीं किए, मगर जब मैंने इसकी बहुत सारी बातें सुनी तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाके इसको परचेज़ किया जाए और ख़रीदा जाए और देखा जाए कि क्यों लोग इतने एक्साइटेड हैं इस पैलेट के बारे में। इसकी कीमत जो है वो 1300 रुपये थी और ये आपको 1200 या 1300 में ही मिलना चाहिए। अगर आपसे कोई 1600 या 1700 में इसको बेच रहा है तो वो ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट इसके ऊपर कमा रहे हैं, मगर इसकी प्राइस आपको 1200 या 1300 के दरम्यान जो है वो उसी की रेंज में आपको ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अच्छी जगह से ख़रीदें ताकि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है वो आपको मिले। आप इसकी पैकेजिंग देखें, बहुत खूबसूरत इसकी पैकेजिंग है, मतलब एक बड़ा बड़ी स्लीक सा जो है वो गोल्डन कलर का या फेडेड म्यूटेड गोल्ड कलर का इसमें ये बॉक्स है इसका। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फ़िल्म, टेलीविज़न, फोटोग्राफी, वेडिंग, स्पेशल इफ़ेक्ट्स के लिए ये इस पैलेट का इस्तेमाल किया जाता है। 48 इसमें मैट कलर्स हैं, 48 इसके अंदर जो हैं वो शिमरी या फिर सैटन फिनिश के जो हैं वो कलर्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है और ये मैनुफैक्चर भी बिल्कुल इट्स फ्रेशली मैनुफैक्चर्ड, यानी 2018 की इसकी डेट है और 2023 में इसकी एक्सपायरी डेट है। बहुत टाइम है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मैंने इसको मैंने खोला था और इससे मैंने लुक भी एक क्रिएट की थी ऐसी रफसी, वो उसकी मैं आपको, फिनिश बहुत अच्छी है, कोई ये मतलब ब्लेंडेबिलिटी का मसला नहीं है इसमें, कोई भी मतलब डस्टी नहीं होते, कलर्स जो हैं वो एक दूसरे में मर्ज नहीं होते कि एक कलर लगाया तो दूसरे में गायब हो गया। अक्सर पैलेट्स में ये प्रॉब्लम होता है। अब आप देखें ये इसमें रैप था, बहुत अच्छे तरीके से ये रैप था और ये इस तरह से आता है। ये देखें कितनी प्यारी इसकी पैकेजिंग है, प्लास्टिक की स्टरी पैकेजिंग है, मखमली प्लस मैट टच, वाकई मखमली है, वेलवेटी टच है इसका। अच्छा जब मैं इसको खोलूंगी आपके सामने, ये देखें व्हाट ब्यूटीफुल कलर्स, मैं थोड़ा सा कैमरा ऐसे कर लूँ सामने, जी ये देखिए। और ये आपको प्लास्टिक शीट मिलेगी, इसके ऊपर ये ग्लैमरस फेस लिखा है। ये सारे जो है ना ये मैट शेड्स हैं, मतलब मैट फिनिश के और हाईली पिगमेंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये जो आप दूसरी तरफ, मैं इसको ज़रा टर्न कर लूँ, ये आप ये देखिए, ये सारे जो शेड्स हैं ये सब के सब जो हैं वो शिमरी शेड्स हैं या सैटिन फिनिश के शेड्स हैं, मखमली, वेलवेटी और बटरी सॉफ्ट हैं, इतने खूबसूरत सॉफ्ट कलर्स हैं और बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड होते हैं। इसकी थोड़ी सी आपको, क्योंकि नया पैलेट है, आप जब खोलेंगे तो एक विफ से आती है, खुशबू सी आती है, केमिकल थोड़ी सी, केमिकली सी, मगर आई थिंक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में होता है केमिकल, तो ठीक है जाने दें, बट माई गुडनेस दिस इज़ अमेजिंग, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट पैलेट्स आई हैव यूज्ड। इसकी कंपैटिबिलिटी हाई एंड प्रोडक्ट्स के साथ, ब्रांड्स के साथ की जा सकती है। मैं आपको एक मिनट अपना एक इंग्लॉट का पैलेट दिखाती हूँ जो इससे मतलब 10 गुना उसकी कीमत ज़्यादा है, मगर मैं आपको कंपैरिजन के लिए दिखाती हूँ कि ये कलर्स कितने फैंटास्टिक हैं, अफोर्डेबल हैं और हाई एंड मेकअप के मुकाबले में जो है आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मेरे पास ये जो है एक YSL का पैलेट है, मैं आपको ये YSL का पैलेट दिखाती हूँ, ये इम्पोर्टेड है, ये कोई 10-12 हज़ार रुपये का ये पैलेट है और इसके और इसका जो है ना कोई मुकाबला नहीं है, मतलब ये बहुत बेहतर है इससे। ये देखिए, ये थोड़ी सी इसकी ये ऐसी पैकेजिंग है, ये हैं इसके कलर्स। अब आप देख रहे हैं कि ये शिमरी शेड्स आपको नज़र आ रहे होंगे सामने। अब मैं इसको एक स्वॉच करती हूँ आपके सामने अपने हाथ के ऊपर, ठीक है, और अब मैं इस पैलेट में कोई भी शेड लेके इसको स्वॉच करती हूँ। ये देखें डिफरेंस, देखें
इसको बिल्ड करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और इसको ब्रश के साथ लगाएंगे YSL के पैलेट को तो ये नहीं लगेगा इसको, मतलब बहुत ज़्यादा उसका कलर डिफ्यूज़ हो जाएगा। इसको आप लगाएंगे अपने हाथ से लगाएं, फिंगर्स से लगाएं, या आप ब्रश की मदद से लगाएं, ये ऐसा ही पे ऑफ देगा। मैं एक दो और कलर्स जो हैं स्वॉच करके आपको दिखाती हूँ। दीज आर अमेजिंग, मतलब ये मैंने रब भी नहीं किया, ये सिंगल मतलब एक ही बार एक स्वाइप का ये रिज़ल्ट है। दिस इज़ फैंटास्टिक, मतलब इन्होंने अगर बोला ये मखमली है तो ये मखमली है। इसमें मैट शेड्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ये एक येलो है, चलें ये येलो आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखें ये कितना पिगमेंटेड येलो है, ये एक स्वाइप है। अब मैं आपको इंग्लॉट का पैलेट दिखाती हूँ जिसमें एक येलो कलर है, और उसकी पे ऑफ और इसकी पे ऑफ में आप फ़र्क देखें। ये जी इंग्लॉट का पैलेट है, इसमें भी बहुत खूबसूरत शेड्स हैं, मगर आप देखें ये येलो और ये येलो। अब मैं इसके येलो को कंपेयर करती हूँ इसके साथ। ये देखें इंग्लॉट का ये कितना चौकी है, कितना चौकी है ये कलर, और इसके अंदर बिल्कुल स्मूथ फिनिश आया है। ये दूसरा कलर भी चेक कर लेते हैं। ये देखें ये भी चौकी है, और ये निहायत ही एक्सपेंसिव पैलेट है, मतलब ये बहुत, और इसका ये बिल्कुल मुकाबले पे, बल्कि ये जो है इससे कलर्स कुछ इससे ज़्यादा बेहतर हैं। आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड आई एम लाइक डिलाइटफुली सरप्राइज्ड। आप ये मैट शेड्स देखें, मैट कलर्स कितने खूबसूरत यहाँ पे कलर्स हैं। आप स्पेशली जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो ये वाला कलर आया है, ये एज़ ए ट्रांजिशन कलर बहुत खूबसूरत है। मस्टर्ड इसका पे ऑफ आता है, और ये अगर आपको कलरफुल अगर आई लुक्स करने हैं, ये तो बहुत देखें ब्राइट ग्रीन, मैं तो कलरफुल आई लुक्स ज़्यादा नहीं बनाती, क्रिएट करती, मगर अगर आपको शौक है तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। ये इतना खूबसूरत ग्रेश ये खाकी कलर है, बहुत प्यारा। और यहाँ पे ये देखें मैट ब्राउन्स, ये मैट मतलब मिक्सिंग कलर्स जो हैं मैट शेड्स में, ये थोड़ा सा टोपी कलर, ये भी आप देखें बहुत खूबसूरत ग्रेज आपको ये कलर्स मिलेंगे। और ये शिमरी शेड्स तो बहुत ही प्यारे हैं, मतलब बेहतरीन पैलेट है। अगर आपने अपनी किट में कोई मेकअप का पैलेट ख़रीदना है और आप बोलें कि मुझे उसके अलावा और कोई पैलेट नहीं ख़रीदना, तो आप ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते, तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर इसको ख़रीद लें अपनी किट में, और अच्छी जगह से ख़रीद के अपने पास रखें, और ये आपको बहुत लंबे अरसे तक आपके काम आएगा। बेहतरीन लुक्स आप इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं, और इससे आप मतलब यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। ये देखें ज़रा हाउ अमेजिंग इज़ दैट। चलें उम्मीद अच्छा लगा है, आप इसे लाजमी जो है अपनी मेकअप कलेक्शन में ज़रूर रखें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।